यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट? यस एनी डाउट स्टूडेंट्स? वी डॉट एफ कितना मिला है? 2.38 लीटर्स पर आर. ओके, आई एस एफ सी यू हैव गॉट इट एज 0.2875. वेरी गुड. 2720.8 इसरार खान लीटर्स पर आर. सी, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, वेरी सॉरी, जस्ट ट्राई टू फोकस हियर स्टूडेंट्स. See, one thing is there, V dot F is given as mass upon density. Okay, so here you will get it in meter cube. If you are taking mass as 1.905, okay, 1.905 kg per hour. See, try to understand it. 1.905 is the kg, है ना? इतना kg एक घंटे में use हो रहा है. कितना? 1.9. तो एक kg मतलब कितना fuel, अगर हम लोग बात करें, एक केजी मतलब अप्रोक्सीमेटली एक लीटर ही होता है ना, बराबर ना? एक केजी मतलब एक लीटर ही होता है. या अगर हम मैं एक केजी फ्यूल लूँ तो क्या होता है, एक केजी फ्यूल में थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम आता है. यानी कि एक केजी फ्यूल को अगर मैं एक लीटर की बोतल में डालूँ, ओके, तो वो भर जाएगा पूरी तरह से और भी थोड़ा सा बच सकता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर के मुकाबले में थोड़ी सी कम है. क्या है? फ्यूल की डेंसिटी वाटर के मुकाबले में थोड़ी सी कम है. ओके, सो यहाँ पे अगर मैंने लेट से लिया 870 केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी क्या लिया मैंने? 870 केजी पर मीटर क्यूब. सो आई विल गेट द आंसर इन, व्हाट आई विल गेट द आंसर इन? मीटर क्यूब. ओके, आई विल गेट द आंसर इन मीटर क्यूब. दिस मच मीटर क्यूब ऑफ फ्यूल इज कंज्यूम्ड इन वन आवर. So I have to convert it in liters per hour. Okay, अगर मुझे liters में convert करना है, okay, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? Multiply it by 10^-3. Okay, 10^-3 से मुझे multiply करना पड़ेगा, तब जाके मुझे answer मिलेगा liters में. Okay, see, mass I have kept it in kg. Okay. Mass is in kg and this 870 is the density in kg per meter cube. Okay, so I will get the answer in meter cube here. So I have to convert it in liters. So if I convert it in liters,
यस स्टूडेंट्स सी 0.021 ओके 0.021 इज द मीटर क्यूब ओके 0.021 इज द मीटर क्यूब आई हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 1000 व्हाई बिकॉज इन 1 मीटर क्यूब यू हैव 1000 लीटर्स ओके 1 मीटर क्यूब यू कीप दिस इन माइंड 1 मीटर क्यूब इज वेरी बिग ओके 1 मीटर क्यूब कंटेन्स 1000 लीटर्स इफ यू टेक अ टैंक ओके ऑफ 1000 लीटर्स दैट इज एक्चुअली हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब ओके सो दिस इज 1 मीटर क्यूब आई एम कन्वर्टिंग इट इन लीटर्स सो आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय 1000 एंड आई एम कन्वर्टिंग इट इन लीटर्स सो आई एम गेटिंग द आंसर इन लीटर्स दैट इज 2.1 लीटर्स ओके 2.1 लीटर्स पर आवर सी द आंसर नाउ स्टूडेंट्स इट इज कमिंग एज 1.905 केजी पर आवर ओके इट वॉज 1.9 केजी पर आवर जस्ट ट्राई टू मैच इट ऑल्सो स्टूडेंट्स कि मैंने 1.9 केजी लिया था वो 1.9 केजी मैंने कन्वर्ट किया तो मुझे 2.1 लीटर मिल रहा है नो वास्ट डिफरेंस एक केजी मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर होता है तो 1.9 केजी मुझे 2.1 लीटर मिल रहा है सो आई एम समवेयर आई एम राइट आई हैव नॉट मेक बिग मिस्टेक इन दैट ओके यस सलमान अंसारी 1000 से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा आपको समझा अभी 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स ओके सो आई वांट द आंसर इन लीटर्स वो पर आर तो जाने दो हमने पर आर में ही लिया है सब चीज तो मैंने क्या किया मीटर क्यूब को 1000 को लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया है ओके आ रही है ना अभी आवाज स्टूडेंट्स ओके तो उसके आगे सॉल्व करो फिर इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन यस इसरार खान 2720.81 लीटर नहीं आएगा क्योंकि ये 1.9 केजी है तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग और उसके बाद में उसको लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वेरी इजी ओके सो योर आंसर विल बी 2.1 लीटर पर आर ओके इसरार इट विल नॉट बी 2720 इट विल बी अराउंड 2.7 लीटर्स ओके It will be around 2.7. If you have taken density as 700 or around somewhere like that, so then you would have got in 2.7 liters. That is also right. Okay, it is all depends on how much density you have assumed. Okay, what is the density of water? Density of water is 1000 kg per meter cube. और फ्यूल जो है लेस डेंसर है वाटर के मुकाबले में बहुत कम डेंसर है तो ये 870 kg per meter cube आता है ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्या है डेंसिटी ऑफ फ्यूल इज लेस देन वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ फ्यूल इज 870 व्हिच वी आर टेकिंग कभी आप पेट्रोल पंप पे जाओ तो देखना वहां पर डिस्प्ले होते रहता है कितना डेंसिटी का है आज फ्यूल का कितना डेंसिटी है पेट्रोल का अराउंड 700-800 रहता है डीजल का भी उधर शो कर रहा होता ओके ISFC 0.2875 वेरी गुड सलमान ISFC इज राइट ISFC विल बी M.F अपॉन इंडिकेटेड पावर सो यू आर गेटिंग इट एज 0.2875 व्हाट विल बी द यूनिट व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ केजी यस सलमान यू आर आस्किंग मी व्हाट आई एम आस्किंग यू व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ ISFC यस You can unmute and answer. What will be the unit? Kilowatt per hour. अरे यार. See, ISFC मतलब kg per kilowatt hour. Amount of fuel required to produce 1 kilowatt of power in 1 hour. Amount of fuel is in kg. Okay. Amount of fuel is in kg. So, this is much amount of fuel is required in 1 hour to produce 1 kilowatt of power. Okay. This is ISFC. To produce 1 kilowatt of power in 1 hour, okay, you require this much amount of this much kg of fuel. Yes, Abdul Rahim. Very good. Kg per kilowatt hour is the unit. Kg per kilowatt hour. Okay.
व्हाट इज द यूनिट ऑफ आईएसएफसी केजी अपॉन किलोवाट आर. ओके, और यू कैन ऑल्सो टेक इट एज केजी पर आर, अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड इन वन आर. ओके, केजी पर आर, कि एक घंटे में कितना फ्यूल लग रहा है टू प्रोड्यूस वन किलोवाट ऑफ ब्रेक पावर. सो यही आर जो है, ये आर नीचे आ रहा है बस, और कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ओके, यही आर जो है वो नीचे आ जा रहा है, इसलिए वो किलोवाट आर बन जा रहा है. ओके, एंड व्हाट विल बी बीएसएफसी, व्हाट विल बी बीएसएफसी स्टूडेंट्स, you have not solved for BSFC. Yes, very good. 0.381 kg per kilowatt hour. Very good. BSFC is 0.381 kg per kilowatt hour. Very good. BSFC is 0.381 kg per kilowatt hour. So this is the solution. Okay, you have to use these formulas. Those who are not able to solve, they can see here and they can solve it now. Okay, you have to use this formula and solve it. Okay, yes, very good. Thank you very much, students. If you have any doubt, you can ask me. Okay, I have finished with it. Many sums have been done, basic level sums have been done. Hope you have enjoyed the sums, very easy sums. Okay, this is just a basic level sum. Okay, thank you very much, Abdul Rahim. You can join your next lecture, you can take a 15 minute breaks. Okay, if you want, you can ask any doubt if you have. सी लिटिल बिट कन्वर्जन में वो डिफरेंस आता है, आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा कन्वर्जन्स के बारे में, कि एक मीटर बेसिक जो हमने स्कूल में पढ़ा है ना, वो हमें सीखना पड़ेगा थोड़ा और अच्छे से, कि एक मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. ओके, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ फ्यूल, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पेट्रोल, उसका यूनिट क्या है, डेंसिटी का यूनिट क्या है. ओके, तो वो सब चीज़ें हमें सीखना पड़ेगा थोड़ा सा. आई विल शेयर द अटेंडेंस शीट. Okay, you have, I will give you some time for filling it. Okay, maybe 10-15 minutes only. You have to fill it and shall I paste it here? Okay, I will try to paste the link here. Just a second, I will share the link. And then you can yes, just a second, I am sharing the link. Yes, very good. I will also give you. See students, attendance is not just a matter, you know, you are coming for the lecture, you are learning something, and why to bother about others who are, you know, just trying to give the attendance and without attending the lecture. See, the loss is theirs, who are not able to attend the lectures. They might be having some genuine problems also, or might be they are, you know, doing it purposely. But, you know, we should not bother about others. The main purpose is to learn. Okay.
सो ट्राई टू लर्न द थिंग्स एंड ट्राई टू यू नो फोकस ऑन दैट. ओके, डोंट जस्ट ट्राई टू थिंक व्हाई आई एम गेटिंग अटेंडेंस एंड यू नो व्हाई अदर्स आर नॉट गेटिंग और अदर्स आर गेटिंग आई एम नॉट गेटिंग. जस्ट डोंट फोकस ऑन दैट. जस्ट अ सेकेंड, आई एम शेयरिंग द लिंक. Yes, see, I have shared the link. Okay, I have shared the link of today's lecture. You have very little time to fill it. Okay, so you can fill it now. Everyone have got the link. If someone has not got, those who have attended the lecture, they can take it from here. Yes, you all can leave now. Okay. इब्राहिम, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट भी हो गया, 12 बजे का टाइम था ना. टुडे इज 19. यस, टुडे इज 19 एक्चुअली. आई विल एडिट दैट डेट, डोंट टेक टेंशन. ओके, see I have edited the date. Okay, today is 19. I have edited the date also. Okay, don't take tension about that.